नवोदय विद्यालय समिति NBS 2019 पे TGT PGT की वैकेंसीज आई हैं, उसमें मैथमेटिक्स की जो वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग सिलेबस के बारे में बताना है, किस तरह का सिलेबस आएगा। जैसे सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है तो मैथ के 80 क्वेश्चन आने हैं और बाकी में इस तरह का पोर्शन आएगा, हिंदी, इंग्लिश, पैडागोगी एंड सिंह या करंट अफेयर्स कुछ हो सकता है, ठीक है। अब बात होती है कि सिलेबस को समझाइए, जैसे कि मैथमेटिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट अगर मैथ है, ठीक है, तो सब्जेक्ट मैथ में इसमें जो मेनली ज़्यादातर आता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, त्रिकोणमिति मान लीजिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कम्प्लीटली आ जाएगा, और मेनली जो त्रिकोणमिति है जो 12th लेवल तक की होती है वो ज़्यादा आने के चांसेस है, कुछ BSc पोर्शन में भी कुछ चांसेस बना होता है, सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वगैरह पोर्शंस हैं, एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर लें, त्रिकोणमिति में ट्रायंगल्स कोणों का संबंध यानी कि ट्रायंगल्स का रिलेशंस एंड त्रिकोणमिति इक्वेशंस एंड डिमोवियर थ्योरम, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन रहेगा, कुछ पोर्शन हाइट एंड डिस्टेंस के भी एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस बना रहता है। अब बात आती है कि कैलकुलस में डेरिवेटिव्स मेनली आता है, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से आने के चांसेस काफ़ी हद तक बने होते हैं, एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये पोर्शन जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर आता है, कुछ अलजेब्रा के पोर्शन है जैसे कि मैट्रिक्स है, डिटरमिनेट्स है, प्रोबेबिलिटीज है, तो ये पोर्शन काफ़ी हद तक आया करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा आया करते हैं, ठीक है। NBS में जैसे कि UP में डायनेमिक्स आती है एंड स्टेटिक्स आती है, यानी कि स्थिति विज्ञान आदि, वो वाला पोर्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोर्शन में मेनली रहेगा त्रिकोणमिति एंड कैलकुलस में डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशंस, ठीक है, एंड अलजेब्रा में पोर्शन में हो सकता है सीरीज सॉल्यूशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटीज, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेशन। तो ये तो मेन चैप्टर ही हैं, मेन है यानी कि मोस्ट टॉपिक रहते ही हैं, ये तो ज़्यादातर कंपटीशन में बने ही रहते हैं। तो NBS में ज़्यादातर जनरली जो कॉमन से टॉपिक्स हैं वही आते हैं, त्रिकोणमिति, कैलकुलस, अलजेब्रा के पोर्शन से ही ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस बना होगा, और थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा कम होता है, जाके सॉल्यूशन वाले पोर्शन ज़्यादा रहेंगे, और यहाँ पे जैसे कि रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, इन पर डिपेंडिंग भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, एंड डेरिवेटिव्स में डिफेंटिविटीज़ वगैरह एंड कंटिन्यूटी डिफेंटिविटीज़ एंड लिमिट एंड कंटिन्यूटीज़, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बने होते हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन अगर तैयार करते हैं, जितना पोर्शन बताया है, तो काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ कि अगर 80 क्वेश्चन आएंगे तो 50 से 60 क्वेश्चन तक इन पोर्शन में कवर हो जाएगा, ठीक है, और बाकी कोई ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, ठीक है, काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का है। जैसे कि डेरिवेटिव की बात करें, तो डेरिवेटिव का हमने भी एक कम्प्लीटली वीडियो हमने बना रखी थी UP TGT वगैरह के लिए, एंड इंटीग्रेशन की भी उसमें बनी हुई है, एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन की अलग बनी हुई है, तो क्वेश्चन तो वही है, इन कम्पटिशन में वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके जो लेवल की वीडियोज़ हैं, इससे जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो उन वीडियो से भी उठाया जा सकता है, ठीक है। तो काफ़ी जो सिलेबस के बारे में एक कमेंट आया है, तो सिलेबस में यानी मैं मैथमेटिक्स को समझा रहा, उसके बाद जैसे कि बात आती है कि हिंदी इंग्लिश में हिंदी में मेनली कुछ पैराग्राफ्स टॉपिक्स होते हैं, छाटने वाले होते हैं, कुछ टर्म्स हैं, सूक्ति वगैरह भी कभी कभी दे देते हैं, ठीक है, तो पैराग्राफ पर ज़्यादा डिपेंडिंग करता है, और क्वेश्चन आंसर वाले हैं, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आया करते हैं, ठीक है, पैराग्राफ में से रिलेटेशन में, सूक्ति, मुहावरे, इस पर रिलेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन बने करते हैं, एंड पर्यायवाची वगैरह इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं, लोकतियों पर डिपेंडिंग होता है, शुद्ध अशुद्ध रूप, ठीक है, तो काफ़ी पोर्शन हिंदी में भी होता है, एंड तत्शाम तद्भव काफ़ी चीज़ें होती हैं, इन वाले पोर्शन को पढ़ा जाए तो हिंदी को आसानी से कवर किया जा सकता है। वैसे ही कि इंग्लिश है पैराग्राफ वाले तो रहेंगे एंटोनीसन एंड एडम्सन पैरास, ठीक है, वो सब चीज़ें इंग्लिश में रहेंगी ही, ठीक, और बाकी जो करंट रीजनिंग है, रीजनिंग तो
लेवल का रीजनिंग आता ही है, वो ज़्यादा टफ नहीं होगा, सिंपल सा आता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत जीके वाला पोर्शन हल्का फुल्का देख के चलें, और करंट अफेयर्स जो भी आसपास की घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है, तो थोड़े बहुत आने के चांसेस बना रहता है, ठीक है। तो ये पोर्शन है। एंड बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान जैसे कि टेट लेवल में तैयारी करते हैं, टेट या सुपर टेट में तैयारी किए हैं उस लेवल का तैयार करेंगे तो काफ़ी आसानी से मिल जाएगा।